जया कुंज बिहारी जय गोपी जया बाला जय गिरिवर धारी जय
आनंदे हरि हरि बोल की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देख रहे हैं चमके कही हो କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯଦି ମୋତେ ନ ଦେଖିବେ ମୋତେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ସବୁ ମୁଁ ବସିଥିଲେ ତୁମେ ସେମାନେ କଥା କୁହେ ରଥଯାତ୍ରା କେହି ଦେଖିବେ ନି ଆସ ଠିକ ଆସ କହିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଳେଇଯିବେ ସବୁ चक्षुरोन्मीत तस्मे सुरवे नम वाशाकूव ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದಾಶಿವೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಸರ್ವಾಭಿಮ मेरे गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल पे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहित कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाल श्री रंग स्वामी श्री श्री भक्ति वेदांत बोधन महाराज के चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनके अहित कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी पाद श्री वेद व्यास जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर्ग रूपांग गुरु परंपरा उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव चरणों में लिखा जो कि दंडवत प्रणाम। आज एक विशेष तिथि है श्री व्यास पूजा। इसको साधारण तो व्यास पूजा मतलब वेद व्यास जी के ही नाम से इसको व्यास पूजा बोला जाता है, लेकिन श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एक प्रबंध में लिखे हैं कि माया मुक्त जीव को या जिस कृष्ण विस्मृति होने वाले जीव को बहिर्मुख जीव को कैसे पुनः भगवान की सेवा में उपस्थित किया जाए और भगवान की सेवा प्रदान किया जाए, उसी कारण से भगवान के आगे ना पुराण और वेद के रूप में प्रकटित हुए। माया मुक्त जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ग्रहण जीवे कृपा करें कृष्ण वेद पुराण। इसी कारण से ही जीव के ऊपर बहुत विशेष रूप से कृपा करने के लिए ही भगवान वेद और पुराण के रूप में पुराणों अर्को अधुनिधित पुराण के रूप में प्रकटित हुए। और अब बता रहे हैं स्वयं कृष्ण ही वेद और पुराण है, तो हम जैसे बद्ध जीव उसी स्वयं भगवान बद्धित अवस्था होने के कारण भगवान उसके स्वरूप उसी वेद और पुराण को विशेष रूप से नहीं जान सकते, अपने बुद्धि से नहीं जान सकते। इसको ही शास्त्र में बताया भक्ता भागवत कह न बुद्धिया न टीका, अपने बुद्धि और टीका से उसको नहीं जान पाएंगे। इसी कारण से ही भगवान क्या के ना खुद ही उसको हम जैसे यथाजथ रूप में नहीं जान पाएंगे, भगवान क्या के उसको ही खुद अपने आप को ही बतलाया और अपने आप को ही यथाजथ रूप में बता दें। इसलिए गीता में वो भगवान बोलते हैं वेदेश सर्वे रहमेव वेदांत वेद विदेव चाहूँ, कि सारे गीता को सारे वेदों के माध्यम से केवल मात्र मुझे ही जाना जा सकता है एवं वेदांत कृत में ही वेद वेद का मुझसे ही वेद आरम्भ हुआ है एवं वेदांत कृत वेद विदेव चाहूँ मैं ही वेद का एकमात्र रचयिता हूँ। अब वेद व्यास जी, व्यास मतलब विशेष रूप में विस्तार करना, जिन्होंने वेद को विशेष रूप से विस्तार किया उसको उनको वेद व्यास उनको वेद व्यास बोलते हैं।
अब वेद व्यास जी ने भी विशेष रूप से वेदों को विस्तार किया, प्रसार किया। अब भगवान भी बोलते हैं कि वेदांत ग्रुप में ही वेद का रचयिता। इसका मतलब यही है कि स्वयं भगवान भी अपने सारे शक्ति का संचार वेद व्यास जी के माध्यम से सारे जीव जगत को शिक्षा देने के लिए पुराण के रूप में स्वयं भगवान ही अपना आवेश अवतार के रूप में वेद व्यास नाम से प्रकट होते हैं। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि वेद व्यास जी पहले एक ही वेद था ऋग वेद, और ऋग वेद को वेद व्यास जी ने क्या किया, चार अलग अलग वेद किए थे, रूप शाम यजुर् अथर्व। फिर वेद व्यास जी ने उपनिषद और बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे पुराण, उपपुराण आदि, महाभारत इत्यादि इत्यादि करने के बाद जब उनको संतुष्टि नहीं हुई तब उन्होंने क्या किया ना, सारे उपनिषद से 550 सूत्र को संकलित किया और उसी सूत्र को ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और उसी सूत्र को के भाष्य ही श्रीमद् भागवत को रचना किया। अब यहाँ पे शास्त्र में बोलते हैं कि अर्थायम ब्रह्मसूत्राणम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपस्य वेदार्थ परिग्रहणता। श्री वेद के ही जो ब्रह्मसूत्र के ही भाष्य को श्रीमद् भागवत, मतलब श्रीमद् भागवत के रूप में वेद व्यास जी ने रचना किया। अब वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत को क्यों रचना किया, क्योंकि हम जैसे बद्ध जीव और जो जीव कृष्ण बहिर्मुख हो चुके हैं उनको पुनः कृष्ण की सेवा प्रदान करने के लिए, उनको पुनः अपने मतलब आत्मधर्म में प्रतिष्ठा करने के लिए, और उनको जीव के वास्तविक स्वरूप को, जीव को वास्तविक नित्यता वस्तु, जीव कहाँ से वास्तव से वास्तव में कहाँ से आए आया है और बाद में वास्तव में कहाँ जाएगा, यही वस्तु को शिक्षा देने के लिए ही क्या। अब बोलते हैं कि गुरुदेव इस जगत में क्यों आते हैं, गुरुदेव इसीलिए आते हैं कि बोलते हैं वेद व्यास जिस चीज को करने के लिए आए, अभी गुरु जी भी उसी चीज को करने के लिए क्या हुआ, इस जगत में प्रकटित हुए। अब वेद व्यास ने जीव को स्वरूप को जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास ये बात को शिक्षा देने के लिए भागवत जी का मतलब रचना किया। अब गुरुदेव भी इसी चीज को शिक्षा देने के लिए जगत में प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ पे श्री वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व करके वही भागवत तत्व या वही भागवत धर्म को, वही भगवत सेवा को सब जीव जीव जगत में प्रचार और प्रसार करते हैं। यहाँ पे जैसे बोला गया है कि वेदांत ग्रुत भगवान बोलते हैं वेद व्यास जी के लिए मैं ही वेदों का रचना किया हूँ, वैसे ही भगवान बोलते हैं कि आचार्य मांग भी जानी आत्मा अवमन कहित न मर्त्या बुद्धि आश्रय सर्वदेव मय गुरु। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि गुरुदेव मेरे ही प्रकाश स्वरूप है, यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथा भी जानी हमें कहार प्रकाश। तो यहाँ पे बोलते हैं कि गुरुदेव ही और वेद व्यास जी में अभिन्न तत्व है, और उनके वही एक ही वस्तु प्रदान करने के लिए दोनों का प्रकाशित हुए हैं, और वेद व्यास जी भगवान के सत्यावेश अवतार हैं और गुरुदेव भगवान के प्रकाश हैं। तो इसी कारण वजह से ही जैसे हम लोग विभिन्न विभिन्न देवादेवियों की पूजा में विभिन्न विभिन्न नाम से बोलते हैं, जैसे गणेश पूजा हो तो गणेश जी की पूजा तो गणेश पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा तो लक्ष्मी पूजा, शिव जी की पूजा तो शिव पूजा, लेकिन गुरु पूजा को विशेष रूप में व्यास पूजा बोला जाता है। इसी कारण के लिए ही गुरु पूजा को विशेष रूप में व्यास पूजा बोला जाता है, क्योंकि व्यास जी जो चीज देने के लिए आए थे बाद में वही चीज गुरुदेव क्या के नजीब जगत को प्रदान किया। ऐसे विभिन्न प्रकार माध्यम से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षा देते हैं, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के माध्यम से व्यास पूजा करवाया और जीव जगत को शिक्षा दिया। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में गए और व्यास पूजा के एक दिन पहले बोले कि व्यास पूजा के एक दिन पहले जाके बोले कि व्यास पूजा के लिए श्रीवास पंडित आप क्या करो ना, तैयारी करो। तो तब श्रीवास पंडित ने बोला कि महाप्रभु के बोला कि प्रभु महाप्रभु में बहुत सारा तैयारी हो चुका है, जनेऊ है, ये हुए वो है। तो महाप्रभु बोले कि ठीक है। तो अगले दिन महाप्रभु बोले कि प्रातःकाल में सब लोग यहाँ पे उपस्थित होना और यहाँ पे व्यास पूजा का मतलब क्या होगा, व्यास पूजा यहाँ पे मनाया जाएगा। तब अगले दिन प्रातःकाल में व्यास पूजा के दिन सब लोग वहाँ पे उपस्थित हुए और श्रीमद् नित्यानंद प्रभु आदि महाप्रभु के पार्षद भी वहाँ पे उपस्थित हुए, लेकिन महाप्रभु विलम्ब से आए।
अब महाप्रभु जब विलंब से आए वहाँ पे तो देखे कि श्रीवास पंडित के घर में कोई कुछ नहीं कर रहे, सब बैठे हुए हैं। तब महाप्रभु ने बोला अभी तक व्यास पूरा शुरू नहीं हुआ, यद्यपि वहाँ पे बलदेव प्रभु है, बलदेव प्रभु साक्षात गुरु तत्व है, साक्षात अखंड तत्व है और सारे रस के रस तत्व मध्य है। जैसे बलदेव प्रभु पंच रस में विशेष रूप से राधा कृष्ण का सेवा करते हैं और जैसे कि विशेष रूप में राधा कृष्ण का विशेष सेवा करते हैं, जैसे नित्य जगत में वो अनंग मंजरी के रूप में सेवा करते हैं आदि आदि, धाम के तत्व धाम के स्वरूप हैं। और महाप्रभु और ठाकुर जी के जितने भी मतलब अवतार में बलदेव प्रभु क्या करते हैं ना, पहले आके उसी चीज उस मतलब उस माहौल को अपने स्वरूप के माध्यम से क्या करते हैं ना, वहाँ पे अवस्थिति करवाते हैं। तो यहाँ पे वे बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व हैं, तो वो नित्यानंद प्रभु है, तो नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व होने के कारण भी वो अपने खुद का व्यास पूजा पहले नहीं करवाया, फिर बाद में मतलब महाप्रभु बोले फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु व्यास पूजा करवाया। लेकिन यहाँ पे नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण यहाँ पे उपस्थित है, तो हम किस प्रकार से मैं व्यास पूजा करूँ। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि जो बद्ध जीव कैसे हम जैसे बद्ध जीव गुरु को सब कुछ अर्पण करके व्यास पूजा करेंगे। तो इसी चीज को शिक्षा देते हुए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने क्या किया ना, पहले पुष्प माल को लेके फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि महाप्रभु को पहले जाके पुष्प माला प्रदान किया। अब महाप्रभु को थोड़ा सा पहले संकोचित हुआ, बोले श्रीपाद आप ये क्या कर रहे हो। तब नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप साक्षात कृष्ण हो, आपकी उपस्थिति में व्यास पूजा कैसे हो सकता है। तो तब महाप्रभु ने स्वयं व्यास पूजा को स्वीकार किया, स्वयं आसन में बैठ गए और स्वयं बोले कि मुझे बहुत सारे प्रसाद, तो स्वयं जब जो भी भक्त जो कुछ भी लाता था नित्यानंद प्रभु के पास वो चीज क्या करते थे, नित्यानंद प्रभु स्वयं महाप्रभु को अर्पण कर देते थे। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि जो भी चीज, अब यहाँ पे गुरुदेव क्या है ना साक्षात, यहाँ पे गुरुदेव क्या है ना साक्षात रूप में नित्यानंद प्रभु गुरुदेव के गुरु तत्व के रूप में है और महाप्रभु कृष्ण तत्व के रूप में है। तो गुरुदेव नित्यानंद प्रभु साक्षात महाप्रभु को सारे चीज दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं ना गुरु तत्व रूप में विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि सारे चीज गुरुदेव को समर्पण कर देना चाहिए। सर गुरु शुश्रू सेवा भक्त सर्व लब्धार्पण न संगे न साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधने न, कि बिना कुछ अपने भोग वृत्ति के सोचे सबके सब चीज सर्व लब्धार्पण न गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। इसके बारे में एक दीक्षा के द्रव के टाइटल में हमारे श्री परम गुरुदेव भक्ति श्री श्रीमणि तुलाकृष्ट भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के एक जीवन चरित्र में आता है कि एक बार श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हमारे परम गुरुदेव ने हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज और श्री भक्ति कुशल नारसिंह महाराज को भिक्षा के लिए भेजा था और उन्होंने भिक्षा करके श्री परम गुरुदेव को बोल दिया कि आज भिक्षा में 250 रुपया क्या हुआ है ना भिक्षा हुआ है। तब क्या हुआ श्री श्रीमद भक्ति कुशल नारसिंह महाराज ने उसमें से 25 रुपया रख के क्या के 225 रुपया परम गुरुदेव को दे दिया। तब परम गुरुदेव ने श्री भक्ति कुशल नारसिंह महाराज से बोलते हैं कि वो 25 रुपया आप मुझे दे दो। वास्तव में श्री भक्ति कुशल श्री नारसिंह महाराज का इंटेंशन गलत नहीं है, वो 25 रुपये में कुछ भी गलत चीज़ नहीं करेंगे। वो बोले कि हम लोग क्रिया में जाते हैं, कहीं भिक्षा में जाते हैं, कहीं कुछ असुविधा के लिए ही मैंने ये रख लिया। तो श्री परम गुरुदेव बोलते नहीं पहले आप मुझे वो दे दो। तो श्री भक्ति कुशल नारसिंह गोस्वामी में थोड़े गुस्से हो गए और गुस्से में आके श्री परम गुरुदेव को दे दिए और देने के बाद जब दे दिए और फिर परम गुरुदेव ने उनको वापस कर दिया।
तो बोले कि आपको अगर वापस ही करना था तो आप मुझे मान क्यों रहे थे। तो इसमें श्री परम गुरुदेव विशेष रूप से शिक्षा देते हैं, जो बाहर के वस्तु में जो चीज है अगर उसको हम डायरेक्ट ग्रहण कर देंगे और डायरेक्ट ले लेंगे तो वो क्या होगा ना, विषय हुआ। लेकिन गुरुदेव निर्गुण निर्गुण होने के कारण और आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने के कारण वो सबको क्या कर देंगे ना, उसी सेम वस्तु को ही भगवत सेवा में लगा देंगे। इसलिए उनको दो तरीके के व्यास पूजा होते हैं, एक मुक्त 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 जीव के व्यास पूजा और एक बद्ध जीव के व्यास पूजा। वही तो मुक्त जीव में और बद्ध जीव में डिफरेंस है कि गुरु जी क्या करते हैं ना, सारे विषय को भी निर्गुण और आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होने के कारण सब चीज को अपने अंदर विशेष रूप में भगवान की सेवा के लिए ही उसको क्या करते हैं ना, ले जाते हैं। यही रूप इसको शिक्षा दे रहे हैं कि अब महाप्रभु इसको हमारे प्रभुपाद ने कैसे आचरण किया। जैसे महाप्रभु बोलते हैं नगर ते पृथ्वी नगर ते आते पृथ्वी ते आते जब तो सर्वत्र प्रचार एवं मोर नाम। अब श्रील प्रभुपाद ने और हमारे गुरुवर्ग ने इसको विशेष रूप से पालन करके व्यास पूजा किया। कैसे ना, घर घर में जाके प्रचार किया और विशेष विशेष रूप में इसको प्रचार प्रसार करके उसी रूप में व्यास पूजा की। और दूसरी पद्धति में जैसे बृहद मृदंग रूप में भी प्रभुपाद ने व्यास पूजा किया, जैसे कि मैगजीन और बृहद मृदंग पत्रिका आदि पत्रिका के माध्यम से घर घर भेजना आदि, भक्तों को दैनिक पत्रिका भागवत पत्रिका वैकुंठ वार्ता आदि पत्रिका के माध्यम से व्यास पूजा किया। और एक चीज है जो संप्रदाय की रक्षा करके भी हमारे गुरुवर्ग ने व्यास पूजा की। संप्रदाय की रक्षा मतलब क्या है ना, संप्रदाय में जो अपसंप्रदाय घुस जाते हैं, जो अपसिद्धांत घुस जाते हैं, उनको पूरा रूप से नष्ट भ्रष्ट करके हमारे गुरुवर्गों ने क्या किया, पूरा शुद्ध सत्य रूप को जीव जगत को पुनः प्रसारित करके श्री प्रभुपाद और हमारे गुरुवर्ग में श्रोत्य परंपरा को अवलंबन करते हुए उसी एज इट इज भागवत तत्व को पालन करते हुए उसको जीव जगत में प्रचार करके व्यास पूजा की। अब धाम की परिक्रमा करके भी श्री प्रभुपाद ने व्यास पूजा की, जैसे कि नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को धाम को श्री जीव गोस्वामी के माध्यम से धाम परिक्रमा की, श्री जीव गोस्वामी ने श्री सामानंद नरोत्तम प्रभु के माध्यम से धाम परिक्रमा की और श्री वही धाम परिक्रमा गौर मंडल गजय मंडल क्षेत्र मंडल आदि धाम के परिक्रमा को श्री प्रभुपाद ने पुनः प्रारंभ करके उसी रूप में उनका व्यास पूजा की। पूजा मतलब मनोविष्ट को पूर्ण करना, व्यास पूजा मतलब हम जैसे बद्धजीव तो विभिन्न प्रकार उपादान के लिए मतलब उपादान करके करते हैं, लेकिन मुक्त आत्मा जो आत्मा धर्म में प्रतिष्ठित है वो क्या करते हैं ना, गुरुदेव को वास्तविक मनोविष्ट को जान के उसी रूप में सेवा करना ही वास्तविक व्यास पूजा है। और हमारे जैसे बद्धजीव उसी तरह निर्गुण नहीं है और आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है तो हम ऐसे व्यास पूजा नहीं कर सकते, लेकिन स्रोत परंपरा अस्रोत परंपरा को त्याग करके स्रोत परंपरा को स्रोत परंपरा के लिए अपने आप को व्यास पूजा के लिए प्रस्तुत करना ही वास्तविक व्यास पूजा है। और ऐसे तो श्री गुरुदेव विशेष रूप से एक बार मैंने गुरुदेव के साथ रायपुर गया हुआ था पहले बार, और तब मुझे कुछ अनुभूति हुआ कि वास्तव में गुरुदेव कितने मतलब प्रचार करने के लिए कितने उत्साह रहते हैं। वहाँ पे दिन रात चिकन प्रभु भी गए थे रायपुर एक बार, तो वो पहला भागवत था शायद मैं गुरुदेव के साथ था और दिन रात पूरा वहाँ पे दो टाइम कथा होता था शायद पूरा दिन भर उसी में लगे रहते थे, गुरुजी शिक्षा देते थे। तो उसी को हम क्या करें, हम तो विशेष रूप से प्रभुपाद और गुरुवर्ग के जैसे उसी रूप में व्यास पूजा नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम प्रयास करेंगे, हृदय में धारण करेंगे और गुरुवर्ग के कृपा प्रार्थना करेंगे कि हमको भी उसी की सेवा और उसी स्वरूप मतलब उसी बात की प्रेरणा दे, उसी सेवा के लिए प्रेरणा करे गुरुवर्ग। इसी बात को मेरे विशेष रूप में और
नहीं जानता, अगर कोई गलती हो गया तो वैष्णव अपने गुण से मुझे माफ कर देना और संशोधन भी कर देना, क्योंकि मैं विशेष रूप से इतना नहीं जानता। और इसी में इसकी बात को हृदय में ग्रहण करके आज व्यास पूजा है, और पहले बार जीवन में गुरुदेव के साथ मैं आज व्यास पूजा यहाँ पे रुका। कभी भी इतने साल हो गया गुरुदेव के साथ व्यास पूजा में नहीं था। और ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि हम बद्ध जीव जैसे गुरु परंपरा में व्यास पूजा मतलब पूरा मनोविष्ट को जान के सेवा करते हैं, वैसे ही गुरुदेव अपने मनोविष्ट को हमारे हृदय में संचरित करें। ऐसे प्रार्थना करते हुए उधर जदिन मत न देखे लोग कहीं देखे नहीं हमें सुन पड़े जो न देखले हूँ लोग मान पाई हम मैंने सुनचु लोग मान तो कहीं बस भी नहीं सब देखा बंद कर बस भी लोग मैंने देखे तुम न देखले ना मत न देखे भितर ताल चुपचाप बस काम से बस देखे लोग देखें लाइफ बस एटी आस एटी आस आदे से बाहर न कर निजर ना मन तो से दुकान तो पढ़ाई दूसरे मुझे बोले से दुकान कर विष्णुपादाय कृष्णदोष्टाय भूतलस्य श्रीमद्भक्तिवंशभिः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैरागयुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपायनं मनोनभिं स्वन्दनं कृपां बुद्धिर्य परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीराधर श्रीवचक श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परमाराधितम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टतशतल श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीलक्ष्मी चरण कमल अनंत कोटि दंडवत चंपन करके उनकी अहित की कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात श्री सनातन गोस्वामी पाद श्री व्यास देव समस्त रूपानुगाचार्य गुरु गुरु परंपरा उपस्थित समस्त वैष्णव भक्त बंद सभी के चरण कमल वंदन करता हूँ।
आज सारे भारतवर्ष में सबसे शुभ दिन है जिसको हम कहते हैं श्री गुरु पूर्णिमा। भारतवर्ष में ये जो गुरु पूर्णिमा है बहुत विशेष दिन है, क्योंकि इस जो गुरु पूर्णिमा के दिन श्री व्यासदेव जी इस जगत में आविर्भूत हुए थे। हम सुन रहे थे, अभी सुन रहे थे हमारे सानंदपुर जो बोल रहे थे कि ये जो व्यास पूजा है वा ये जो गुरु पूजा है या गुरु पूर्णिमा है, इस सब का विसार है सरल भाषा से, सरल भाव से यही समझें कि जो गुरु हैं, गुरु का भूमिका क्या है, उसको समझना और उनका शरणागत होकर भजन करना, परमार्थ अनुसरण करना, आत्मकल्याण के लिए प्रयास करना, यही इस तिथि का वास्तविक उद्देश्य है। सरल, पूरा सरल भाव से समझें तो एक ही शब्द में यही है। भगवान क्या है ना, भगवान बड़े करुणामय हैं। बार 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 जीव के इस दुर्दशा को देखकर उनके हृदय भी भगवान के दुखी होते हैं। इसलिए नाना प्रकार से चेष्टा करते हैं किस प्रकार जीव क्या है। यद्यपि जीव क्या है, स्वरूपतः स्वभावतः जीव क्या है, दुखी नहीं है, आनंदमय स्वरूप है, परंतु जीव क्या है ना, भयम द्वितीय अभिनिवेश सपित्य विपर्जय स्मृति ही। भगवान को भूलने के कारण भगवान से क्या होना, ईसाद अपित्य, ईसाद अर्थात भगवान से विमुख होने के कारण ही क्या है ना, सारे दुख सुख में क्या है पड़ा है। यद्यपि इस प्रकार भागवत में कहते हैं कि यद्यपि क्या है, आनंदमय है, त्रिगुणातीत है, परंतु अपने को क्या मानता है कि त्रिगुणात्मक को मानकर जीव दुख आदि में आदि प्रकार के नाना प्रकार की मनोरथ व्याधि में पड़ा है। इस मनोरथ से निकालने के लिए भगवान विविध प्रकार के प्रयास करते हैं। इस प्रकार जो व्यास देव हैं, व्यासो नारायण साक्षात, व्यास ही नारायण ही साक्षात क्या है, व्यास देव हैं। भगवान के 6 प्रकार अवतार है, उसमें से जो सत्यावेश अवतार है, एक प्रकार अवतार को कहा जाता है सत्यावेश अवतार, उसी सत्यावेश अवतार श्री व्यासदेव जी हैं। इस व्यासदेव जी का भगवान जो व्यासदेव रूप में इस जगत में धराधाम में अवतीर्ण हुए, उसका मूल उद्देश्य यही है किस प्रकार, क्योंकि जीव जो है, जीव भूलने के कारण ही इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जो विस्मृति हुआ है, उस विस्मृति को फिर पुनः स्मृति में, कृष्ण स्मृति में ला सकते हैं। इस प्रकार हम सुबह सुने थे महाराज जी बोल रहे थे, सुखोदन महाराज जी बोल रहे थे कि क्या वो माया मुक्त है जीवर नहीं, कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाए कहले कृष्ण देवी। माया मुक्त जीव का क्या है न, ज्ञान नहीं है, कृष्ण स्मृति ज्ञान नहीं है। किस विषय में ज्ञान है, केवल मात्र सांसारिक भोग वस्तुओं में किस प्रकार अधिकतर उन्नति कर सके उसी प्रकार का ज्ञान है, परंतु कृष्ण स्मृति ज्ञान नहीं है। जिस स्मृति ज्ञान के लिए ही क्या करता है, जिस विस्मृति के लिए जीवित सारे प्रकार के दुर्दशा है। इसलिए भगवान कृपा करके क्या करते हैं ना, अपने को अपने भक्त के द्वारा, कभी आप भक्तों को प्रकाशित करते हैं जगत में भेजते हैं, कभी अपने आप खुद आते हैं। इस प्रकार व्यासदेव जी आए, व्यासदेव जी का अवतीर्ण हम सुन लेते सुबह किस प्रकार पराशर मुनि के ओरस से सत्यवती के गर्भ से व्यासदेव जी प्रकट हुए, और व्यासदेव जी जो प्रकट हुए, व्यासदेव जी ने सर्वप्रथम जीव के कल्याण हेतु सर्वप्रथम 4 वेदों को उन्होंने 4 वेदों के सर्वप्रथम क्या किया ना, 4 वेदों को लिखा। जितने भी ये जो वेद शास्त्र ग्रंथ क्या है, नित्य हैं, क्योंकि वेद जो है क्या है ना, भगवान के निश्वास से प्रकटित है, भगवान के निश्वास से प्रकटित है, जितने भी नित्य है, परंतु समय समय अनुसार भगवान आकर स्वयं उसको क्या करते हैं, प्रणीत करते हैं, लिखित आकार में हमें समक्ष क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार सर्वप्रथम उन्होंने वेद 4 वेद किया, फिर देखा वेद जो है, वेद को समझना बड़ा कठिन वस्तु है,
इसने उसको विस्तार थोड़ा ज्यादा विस्तार, क्योंकि ये देखो ये जो विस्तार है, ये जो विस्तार क्या है ना, भगवान के जो कारुणिक गुण है उसका प्रकाश है। जिस प्रकार हम अगर देखें प्रैक्टिकली देखें, हम भजन साधन कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं गुरुवर्ग उसको क्या करते हैं, हमें बड़े और थोड़ा सरल करके क्या करते हैं उसको हमें हमें आगे बताते हैं। इस प्रकार जो विस्तार है, विस्तार भी क्या है ना, भगवान के कारुणिक गुण का ही प्रकाश है। देखे चार वेद जो है, इसका जो वस्तु है बड़ा कठिन वस्तु है, इसको आसानी से समझ नहीं पाएंगे। उसके क्या क्या ना पंचम वेद, और वेद में क्या है ना, वेद में चार वेद में वहाँ पर स्त्री और शूद्रों का अधिकार नहीं था, इसलिए उनको क्या किया ना, जैसे सर्वभूत का कल्याण हो सके, सर्वजीव का कल्याण हो सके, क्योंकि आत्मकल्याण जो चीज है ये शरीर संबंधी उपाधियों का कल्याण नहीं, ये क्या है ना आत्मा का कल्याण है। इसलिए जो वैष्णव जो भागवत गण है वो कभी इसी प्रकार के डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, वो सब समय आत्म कल्याण हेतु ही चिंतित रहते हैं। इस प्रकार फिर उत्तर उत्तर जाकर उन्होंने वेद फिर 18 पुराण किया, फिर उन्होंने 18 पुराण तो बाद में किया, फिर वेद चार वेद को महाभारत किया, फिर उसमें वेदांत सूत्र उपनिषद आदि को रचना किया। सर्वप्रथम जब वेद अर्थात वेद जो शब्द है उसका अर्थ क्या है कि इसी से हम पता चल जाता है कि वास्तविक ये जो रचना का क्या अर्थ है। वेद का अर्थ है, वेद शब्द जो है उसका व्युत्पत्तिगत अर्थ समझेंगे तो विद धातु से, विद अर्थात जानना, जानना अर्थात किसको जानना ना, जीव का जिसके साथ नित्य संबंध है उसी को जानना, अनित्य संबंध को जानना ये कोई बड़ी बात नहीं है, नित्य संबंध को जानना ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सर्वप्रथम वेदांत सूत्र में सर्वप्रथम सूत्र ने उन्होंने क्या बताया ना, अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा, अथात तो अर्थात अतः अथह अतः ब्रह्म जिज्ञासा। सर्वप्रथम जो अथ बोले उस अथ का अर्थ यह है कि अधित वेदस्य, जीव क्या करता है जो वेद है वो वेद बहुत विस्तृत है, उसमें बहुत सारे चीजें बताया, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, तो उसने क्या करता है उसको ऊपर ऊपर से क्या करता है ना, उसको वेद अधित वेदस्य, अधित वेद अर्थात वेद पढ़ता है। वेद में क्या क्या आ गया, मुख्य रूप में वेद में कर्म कांड आदि को प्रमुख रूप में क्या किया गया है उसको वर्णन किया गया है। विशेष रूप से यद्यपि उपासना कांड उसमें है परंतु मुख्य रूप से अधिकतर कर्म कांड का ही उसमें वर्णन है, क्योंकि उद्देश्य तो क्या है, प्रयोजन क्या है ना, उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस ब्रह्म का आश्रय लेने के लिए, उस परतत्व का आश्रय में परतत्व का आश्रय लेना ही क्या है उद्देश्य है, परंतु अधिकार भेद से क्या होता है ना, अधिकार भेद से जीव के अधिकार के अनुसार जीव क्या करता है ना, अपने अपने जो स्टेप वाइज वो ही क्या करता है, प्रगति करता है। इसलिए वेद में इस प्रकार कर्म कांड का अधिकतर यह, यद्यपि कर्म कांड का उद्देश्य क्या है ना, उसमें क्या होता है, पहले कर्म कांड के द्वारा ये जो सारे चीजें जो कर्म कांड में जो बताया गया है उसमें क्या होता है, चित्त शुद्धि होता है, चित्त शुद्धि होता है, धीरे 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 उन्नति क्रम में जाकर वो क्या करता है ना, चित्त शुद्धि आदि होकर फिर ज्ञान लाभ करता है, ज्ञान के बाद फिर भक्ति। वो तो प्रयोजनीय वस्तु जो मूल उद्देश्य है क्या है ना, भगवत तत्व के शरणागत होना, परंतु उससे शरणागत का जो क्रम पंथा है वो शुरू होता है कहाँ से ना, कर्म कांड आदि से। इसलिए बोले अथह अर्थात क्या करता है जीव, क्या करता है वेद आदि का अध्ययन करता है, अध्ययन करके क्या करता है उसमें जो बतलाया गया है जो कर्म समूह है उसको आचरण करता है, और कर्म के फलस्वरूप क्या होता, कर्म कैसा है, कर्म का फल कैसा है, क्षणस्थायी है, नश्वर है। इस 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है, जो 14 लोक है उसमें ही उसको क्या करता है ना, सीमित रखता है, पुनरुत्ति पुनः फिर कर्म करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है। तेतम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम खीने पुण्य मुक्त लोकम विशंति, पुण्य कर लिया और उसमें उसे पुण्य के फल के स्वरूप स्वर्ग में आदि गया, उच्च लोक आदि में गया, फिर क्या हुआ खीन पुण्य मर्त लोकम विशंति, फिर जब पुण्य खीन हो जाता है तब मर्त लोक में आता है। इस प्रकार जब व्यक्ति कर्म करते करते क्या होता है ना, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मण निर्वेदम आयस्ती अकृत कृत्य न किंगा,
उसको ऐसे करते 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 उसको क्या होता है ना, उसको एक अंदर से एक विरक्ति भाव आ जाता है। परीक्षा लोकान कर्म चित्तन भ्रमण, उसके एक निर्भेद आते हैं। अरे अकृत्य कृत्य ने भाव, उसको उसको समझ में आ जाता है। अरे ये क्या है, ये जो कर्म का फल है, ये क्या है ना, ये जो चौदह लोकात्मक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसमें उसमें निर्भेद हो जाता है। उसके बाद क्या आता है ना, अथ अत, जो इस प्रकार निर्भेद आ जाता है तब क्या होता ना, उसने वो सोचता है कि अभी क्या करना चाहिए, कि अभी तो वेद पढ़ा, अतः अर्थात अभी उसको निर्भेद आ गया, तब क्या करता है ना, ब्रह्म जिज्ञासा। अभी वो सोचता है किस प्रकार के इसमें क्या रहस्य है, कर्म चित्तान जो इसको करते करते जो ब्राह्मण ने अर्थात जो इसमें कर्म तत्व में जो उसको समझ में आ गया, वो क्या करता है, तब उसको उस सोचता है नहीं, इसमें कुछ इससे और कुछ सुपेरियर तत्व तो है। अकृत्य अर्थात अकृत्य अर्थात वो जो नित्य वस्तु है, कृत्य ने की भाई, जो कृत्य ने अर्थात ये जो हम कर रहे हैं, जो काम कर्म आदि कर रहे हैं, कर्म कांड, इसके द्वारा क्या लाभ हो जाएंगे, किंबा उसको आश्चर्य हो जाता है, वो खेती मतलब उसको खेद हो जाता है और वो अंदर से बड़ा निर्भेद हो जाता है। तब क्या करता है ना, तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगछे, तब क्या करता है ना, ब्रह्म जिज्ञासा। तब उसका जो जिज्ञासा अर्थात कुछ जानने का जो प्रवृत्ति, तब क्या होता है उसका अनित्य वस्तु के जानने का प्रवृत्ति तब नहीं होता, क्योंकि अनित्य वस्तु से क्या होता है, वो विरक्ति हो चुका है। अनित्य वस्तु इस जो 14 लोकात्मक जो अनित्य जो लोक हैं, उसके जो भोग आदि जो चीज़ें हैं, उसको भोगते भोगते क्या हो गया ना, उस अनित्य वस्तु में उसका धीरे धीरे निर्भेद हो गया, तब क्या होता है ना, नित्य वस्तु के प्रति उसका जिज्ञासा होता है। इसका रहस्य क्या है, नित्य वस्तु कौन है, जिसका वास्तविक कल्याण किसमें होगा, कहाँ जाने से, किसके आश्रय लेने से, किस पंथ अवलंबन करने से जिसका कल्याण होगा, तब क्या करता है, जिज्ञासा हो पड़ता है। बोलते हैं देखो, जिस प्रकार एक हाथी को पकड़ने के लिए एक हाथी का इस्तेमाल किया जाता है, एक पशु को पकड़ने के लिए एक पशु का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार जो ज्ञेय वस्तु है उसको जानने के लिए ज्ञान के द्वारा, और वो ज्ञान क्या है, अभी तक जो अथ बोले, ये अथ क्या है, अथ अर्थात आपातत, अर्थात ऊपर ऊपर से उसने अपने ज्ञान के अपने बुद्धि के अनुसार क्या किया ना, अधित वेद से वेद आदि को पढ़ा, वेद आदि को अध्ययन किया और उसमें जो है ऊपर ऊपर से उसने जो समझा उसमें प्रवृत्त हो गया, बाउसी को उसी अधिकार के अनुसार जो गुरु मिले उसी अधिकार अनुसार उसने क्या किया, उनसे प्रवृत्त होकर उसमें प्रवृत्त हो गया, उसे कर्म प्रवृत्त, और उसको करते करते उसको जो निर्भेद आ गया, अभी तक उसने समझा था कि अभी मैंने जो ऊपर ऊपर से जो पढ़ा शरणागति विहीन होकर, अभी क्या करते हैं ना, शरणागति होकर जो जो संत हैं, जो तत्वज्ञ व्यक्ति हैं, तत्वदर्शी हैं, क्या करता है ना, ब्रह्म जिज्ञासा, तब उनके शरणागत होकर क्या करता है, जिस प्रकार बोले कि हाथी के द्वारा एक हाथी को पकड़ा जाता है, जिस प्रकार पशु के द्वारा एक दूसरे पशु को पकड़ा जाता है, इस प्रकार जो ज्ञेय वस्तु हैं, ये जो ब्रह्म वस्तु हैं, उनको ब्रह्म अर्थात बृहद वस्तु हैं, तब उसको समझ में आती है ये सारे क्षुद्र वस्तु हैं, ये जो सारे ये जो लोकात्मक जो हमने अभी बोला कि सारे क्या है, क्षुद्र वस्तु, इसलिए बृहद वस्तु को जानने के लिए क्या करता है, इसी प्रकार जो ज्ञेय वस्तु है ज्ञान के द्वारा, और वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न से वह उपदेक्षण ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शन, इसलिए क्या करता है उसे पथ अवलंबन करता है, तद विधि उसी विधि का अवलंबन करता है, क्योंकि पहले शास्त्र पढ़ चुका है, इसलिए शास्त्र का जो विधि निषेध आदि उसको थोड़ा बहुत पता है, इसीलिए क्या करता है ना, शरणागत होकर तद विज्ञानार्थम सब गुरु में वा भी गच्छे, उसी प्रकार जो सत्यम है, जो ब्रह्मनिष्ठम है, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, जो भगवत अनुभूति संबंध है संपन्न है, जो भगवत तत्व को यथारूप जानने वाले भलीभांति जानने वाले जो गुरु हैं, उनके शरणागत होता है, होकर क्या करता है ना, उसे ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, इस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इस ब्रह्म का स्वभाव क्या है, इन ब्रह्म का ब्रह्म है कैसे, इनका करुणा कैसा है, इनका दया कैसा है, इनका प्रकृति कैसा है, इस सबको समझता है। और उसके बाद क्या आता है ना, दूसरे सूत्र में बोले कि जन्मादस्य जतः, और ब्रह्म कैसे हैं कि जन्मादस्य जतः, ये ब्रह्म जो है जिनसे ये जन्म आदि अस्य, ये जो जन्म आदि जन्म सृष्टि स्थिति प्रलय जो सारे कुछ होता है, अतः अर्थात जन्म आदि अस्य, अस्य अर्थात ये भू भूभ स्व
जना महातप, ये जो ऊपर के सात लोग और जो नीचे के सात लोग, अतल वितल सुतल पातल तलातल, ये जो नीचे के सात लोग, ऊपर के सात लोग और नीचे के सात लोग हैं, अस्य अर्थात इसी जो चौदह लोक है, और इसके बाहर भी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सब सारे ब्रह्मांड में जो सृष्टि स्थिति तड़े हो किसके जिसके माध्यम से चलता है, जत जिनके जिनसे होता है, जिनके द्वारा होता है, उनका ही शरणागत होना चाहिए। यहाँ बोलते हैं जो ब्रह्म है, कोई कोई बोलते हैं शंकराचार्य शंकराचार्य तो नहीं, वहाँ पर प्रश्न उठाया कि कोई कोई बोलते हैं जो ब्रह्म है, ब्रह्म ये जीव पर ये जो जीव को पलय करते हैं करके बोलते हैं, बोलते हैं कभी भी ये जीव को पलय करके जो व्यास देवी ने ये जो सूत्र बताया कभी भी नहीं, क्योंकि ब्रह्म का स्वभाव क्या है, जब तो भाईमानी भूतानी जयंती, यानी अर्थात जो जिनसे ये सारे जगत सृष्टि होता है, जब तो अभिमानी भूतानी कि ये जो भूत सारे भूत जिनसे सृष्टि होते हैं और प्रलय के बाद जो उनमें समाहित हो जाते हैं उसी को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्म क्या है, भूत बृहत है और दूसरों को क्या करता है, बृहत बनाता है। परंतु जीव कैसा है, जीव के सारे समस्त शास्त्र में देखेंगे जो जितने सारे हमें प्रमाण मिलेंगे, जीव को क्या कहा गया है, क्षुद्र कहा गया है। जीव यद्यपि ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म है, परंतु जीव को कहा गया क्या ना क्षुद्र। जिस प्रकार के राज परिवार में कोई व्यक्ति हो, यदि कोई राजा नहीं हो, क्योंकि उसमें क्या है ना राजा का जो राज परिवार में होने के कारण उसमें क्या है ना राज परिवार के में होने के कारण राज परिवार के कुछ संस्कार कुछ गुण और शौर्य वीर्य आदि उसमें है, इसलिए कभी कभी उसको राजन भी संबोधित हम करते हैं उसी प्रकार, परंतु वो राजा नहीं है, परंतु कभी कभी करते हैं क्योंकि राज परिवार से होने के कारण। इसी प्रकार जीव जो है, जीव यद्यपि ब्रह्म है, ब्रह्म है क्योंकि उसे सच्चिदानंद अंश से होने के कारण जीव क्या है, सच्चिदानंद में तो है, परंतु जीव कैसा है, सत्ता कितना है उसका, क्षुद्र है। इसलिए जीव यहाँ पर जो कहे अर्थात तो ब्रह्म जी ज्ञान से, अर्थात ब्रह्म को ब्रह्म अर्थात जीव को जानने से ही सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म अर्थात जो खुद बृहत है और जो दूसरे को बृहत करेंगे वही ब्रह्म है, उसी को ही जिज्ञासा अर्थात उसी को जब जानेंगे, उसी का जब आश्रय लेंगे, तब क्या होगा, तभी जीवी की वास्तविक प्रयोजन की वो पहुंच सकता है। जो तीसरे नंबर में बोले, तीसरे नंबर श्लोक में शास्त्र जनित अर्थ, अर्थात इस ब्रह्म को जानने के लिए गुरु के शरणागत हुए, कैसे जानेंगे, तर्क और प्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा नहीं, हमने जो इतने सारे पढ़ा अपने अपने मेथा उसमें नहीं, शास्त्र जनित अर्थ, शास्त्र जनित अर्थ जो शास्त्र में जनित अर्थ अर्थात जो उद्भव हुआ है, शास्त्र में जो बनाया बतलाया गया, शास्त्र के साथ प्रामाणिक शास्त्र उसमें जो बतलाया गया उसी को, उसी के आधार पर क्या कर सकते हैं हम, उसी के आधार पर उसी परतत्व को जान सकते हैं। तो इस प्रकार व्यासदेव जी का जो ये जो सारे, और उसी को जो जन्मादर्श जो बोले उसी को ही बोले ना, अभी बोले थे अथयम ब्राह्मण सूत्राणाम भारत अर्थ विनिर्णय गायत्री राशि रूप से वेदार्थ परिभ्रमित, अर्थात ये जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र को, ब्रह्मसूत्र का क्या है ना अर्थ, ये जो अर्थ जो द्वादश स्कंध का जो भागवतम है ये ब्रह्मसूत्र का अर्थ ही है। इसलिए जो प्रथम श्लोक में ही बताया गया क्या ना जन्मादश्य जत अनय इतर का अर्थ है अभिज्ञ स्वराट तेन ने ब्रह्म हृदय आदि कवय भूजन पियत सुरय तेज बारी मृदम यथा विनिमय सत्यम परम धीमहि, अर्थात मैं उस सत्य परम वस्तु सत्यम परम सत्य और वो जो परम को क्या करता हूँ ना धीमहि ध्यान करता हूँ, उसी को ही भाग उसी को ही वही ब्रह्मसूत्र का जो पहला जो दूसरा जो अधिकरण है जिज्ञास अधिकरण के बाद जो जो जन्मादेश जो है उसी को ही उन्होंने क्या किया ना यहाँ पर भागवत में पहले श्लोक देकर उसी को क्या किया ना विस्तृत से उसको हमारे सम्मुख से और थोड़ा ज़्यादा क्या किया ना उसको विस्तार किया। तो व्यास देवी का कितनी अनुकंपा है। तो इस प्रकार जो व्यास हैं वो आदि गुरु हैं, गुरु का काम वही है कि यद्यपि क्या है भगवत अंश है परंतु उनका मुख्यत्व क्या है ना गुरु के कार्य, इसलिए हम आज गुरु पुण्य भी कहते हैं क्योंकि मुख्यतः गुरु के कार्य यही होता है ना अनुग्रह चरम तीनू नाम, अर्थात जो गुरु हैं क्या करते हैं ना अनुग्रह करके जो नूनम अर्थात भूतों के प्रति अनुग्रह करने के लिए विचरण करते हैं, भूतों को इसी जो जो ये सारे आत्म तत्व के चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा सरलीकृत करके उसको उसके हृदय के अंदर उसको क्या करते हैं ना प्रवेश कराते हैं अपने कृपा के द्वारा वाणी के द्वारा शास्त्र के वचन के द्वारा उसको क्या करते हैं उसके अंदर प्रवेश कराते हैं, प्रवेश कराने के कारण जीव क्या होता है ना पुनः भगवत स्मृति लाभ कर सकता है। तो यही है व्यास पूजा का
उद्देश्य इसी से ये व्यास पूजा ये भी बोल रहे थे सुबह भी सारे वक्ता भी एक ये जो चीज़ है सारे लोग यही चीज़ बोलते हैं कि व्यास पूजा जो है सारे गुरु परंपरा की पूजा है क्योंकि हमारे जो गुरु वर्ग हैं जिस प्रकार व्यासदेव जी ने सर्वप्रथम जीव जगत के कल्याण हेतु ये सारे शास्त्र को रचना किया उसी प्रकार हमारे गुरु जी गुरु परंपरा हमारे पास आए हम जैसे बद्ध जीव हम जैसे अज्ञानी जीव के पास आए और बार बार पुनः 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 यद्यपि हमें इसी वस्तु में हम क्या है विषय में अभिष्ट चित्त होने के कारण और विषय के संस्कार होने के कारण यद्यपि हम इस वस्तु को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं परंतु वो जानते हैं वास्तविक कल्याण किसमें है इसलिए हमें बार 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 अत्यंत प्रीति आदर प्रीति और स्नेह के द्वारा क्या करते हैं उसको हमें समझाते हैं और समझाते हैं उनका प्रयास यही रहता है कि किस प्रकार हम पुनः भगवत धाम वापस जा पाएँ और ये जो दुख आदि है हम जो दुख हो गए दुख सुख पड़ें इससे निवृत्ति हो सके और परानंद सुख प्राप्ति हो सके सारे गुरु परंपरा का ही उद्देश्य है। तो इस प्रकार इन दिनों में हम अपने अपने गुरुजी गुरुवर्ग सभी के चरण में पुष्पांजलि उनके करुणा और उनकी उनके निकट अपने चिर कृतज्ञता प्रकाश करना यही वास्तविक व्यास पूजा है। और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आज श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के भी सुबह तिरुधान दिवस है। सनातन गोस्वामी पाद जी हमारे जो तीन आचार्य हैं संबंध आचार्य अभिदय आचार्य और प्रयोजन आचार्य इन तीनों में जो सर्वप्रथम जो संबंध है कि हमारे कृष्ण के साथ जिसको महाप्रभु ने कहा आराध्य भगवान ब्रज से तनय किस प्रकार हमारे जो संबंध है कृष्ण के किस साथ किस प्रकार हमारा संबंध है उसी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको पुष्ट किया जैसे वृहद भागवत मत में आदि उसमें बहुत सुंदर रूप से उन्होंने एक एक चीज़ों को अत्यंत स्पष्टीकरण करके सरलीकृत करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार भक्त जिस प्रकार होता है भगवान उसके सम्मुख उसी प्रकार का स्वरूप स्वरूप भी प्रकटित करते हैं जिस प्रकार जो प्रहलाद महाराज जी हैं प्रहलाद महाराज जी के सब सामने सब समय नृसिंहदेव का स्वरूप भी प्रकटित होगा कृष्ण आदि के कृष्ण के स्वरूप प्रकटित कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार जो संबंध ज्ञान इसमें अगर और कभी हम इस विषय में गुरुवर्गों से सुनते रहेंगे और इस चीज़ों को आगे आगे जानते रहेंगे तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद जी के चरणों में भी हम पुष्पांजलि देते हैं और इस प्रकार अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर कुछ भूल त्रुटि हुआ हो तो गुरुवर्गों से प्रार्थना गुरु जी से प्रार्थना है संशोधन करें क्षमा करें बहुत छुट्टी आज है छुट्टी है आज अरे कृष्ण तब ना एक भाव तो कल हम श्री हरे कृष्णा आज श्री सनातन गोस्वामी जी का आज तिरुभाव तिथि है इनकी कथा बड़ी लंबी चौड़ी कथा है इसलिए श्री सनातन गोस्वामी साधारण लोगों का जो भावना है ये साधु कौन बनते हैं मतलब जिसको संसार में पैसा कमाना नहीं आता लेखा पढ़ा है ही नहीं हैं और घर में खाना पीना मिलता नहीं इसलिए वो क्या करते हैं घर बार छोड़ छाड़ करके ये सब कैसा वृंदावन में राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो और सब कैसा वृंदावन में साधु बन जाते हैं फिर ऐसे नहीं इसलिए महाप्रभु के जितने सारे भक्त हुए हैं इसलिए श्री बिल्लो मंगल ठाकुर जी कहते हैं साध्वि माधिक चिंता न भवती सर करे कर्त सासी अगर जीवन में कृष्ण भक्ति रस एक बूंद अगर किसकी आस्वादन का विषय हो तो उसको सामने विश्व ब्रह्मांड का जितने सुख है उसको सामने सब फीकी पड़ जाती है इसलिए कहते सरकरे कर्कशासी जो सरकरा कहते तुम कर्कश बन गए हो बोले तो कड़वा हो गए हाँ बोले अमृत मृत मसी बोले अमृत तो मर जा बोले क्यों बोले तेरे तरफ में कोई और देखेंगे नहीं बोले द्राक्षा द्राक्षसी अंगूर रस को कहते द्राक्षा रस है बोले द्राक्षा रस तेरे तरफ में और कोई देखेंगे नहीं अधरा धरा मृतम है जगत में
जो आनंद इसी जगत में स्त्री के अधरा अमृत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कहते जो अधरा अमृत है कहते तू जगत में मर जा। बोले किसको सामने? बोले जिसको कृष्ण भक्ति रस एक बूंद आस्वादन का विषय हो सब तुच्छ हो जाते। इसलिए कहते कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नैतार एक बूंद। कृष्ण भक्ति रस में जो आनंद है कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग देखो सनातन गोस्वामी वो कौन थे? उससे नवाब का प्राइम मिनिस्टर थे। रूप गोस्वामी ये वित्त मंत्री थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले इंद्र तुल्य ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम। कहते घर में कितना ऐश्वर्य था? बोले इंद्र के बराबर। बोले स्त्री कैसे थी? बोले अप्सरा जैसे। कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर वो कौन थे? राजा की बेटा थे। जीव गोस्वामी राजा के घर की। इसलिए जितने हमारी गोस्वामी लोगों को देखते हैं ये सब के सब बड़ी बड़ी पैसा वाले, लेकिन जब इनको कृष्ण भक्ति की चस्का लगी इन लोगों ने सब चीज को तुच्छ करके और वृंदावन में आकर के और एक के पेड़ को नीचे एक एक दिन रह करके और कभी चाना कभी वो भी माना। अगर कभी चाना चुबा करके रह गए कभी वो भी नहीं, और कभी थोड़ी सी चून मांग करके उसमें पानी में घोल करके टिकिया बना करके बगैर नमक के टिकिया बना करके ठाकुर को घोल आकर खा लेते थे। इसलिए मदन मोहन क्या कहते थे? बोले सनातन सब्जी तो देता ही नहीं, अरे उसमें कम से कम थोड़ा नमक तो दिया करो। लेकिन सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं? बोले आज तो नमक मांगोगे, कल बोलोगे भैया थोड़ा सब्जी हमें बड़ा अच्छा होगा, फिर कुछ दिन बाद में बोले थोड़ा दूध तो थोड़ा दिया, कुछ दिन बाद में बोलोगे यार थोड़ा दही दे दो, अरे बोलोगे तो राबड़ी दे दो। बोले तेरे पिताजी की नल ला गया था तभी तेरे पेट भरता नहीं, और गोपियों के घर में तुम चोरी चोरी करके खाता था। इसलिए भैया अपनी इच्छा हो तो तुम जुगाड़ कर लो, हम तुम्हारी सेवा कर ही नहीं सकते। मतलब हम लोग हैं सनातन गोस्वामी, हम लोग क्या क्या बता नहीं ठाकुर को भोग लगाते हैं, ठाकुर हमसे कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन इनको पास में नमक खाने के लिए ठाकुर जी मचलते हैं, और हम लोग ठाकुर को दर्शन करने के लिए जाते थे लेकिन ठाकुर जी इनको दर्शन करने ही नहीं आते। इतने बड़े ये साधु लोग हुए और वृंदावन में ऐसे भजन किया इन लोगों ने जो कि जगत में एक आदर्श रूप में रख कर गए। इसलिए इनकी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने सिखा दिया भजन जगत में हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। कल हम इनकी कथा अच्छे तरह से इनकी कथा को कल हम सुनेंगे। बोले श्री सनातन गोस्वामी की जय। हाँ कल अगर हो सके, अगर तुम लोग बोलना चाहते हो सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र पढ़ कर के आना और उन्होंने क्या सिखा दिया आप इसी ऊपर में हम लोग बोल सकते, ठीक है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय लीला विष्णु विष्णु पाद विष्णु भगवान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय लीला विष्णु विष्णु पाद विष्णु भगवान श्रील बामन गोस्वामी महाराज की जय लीला विष्णु श्री गौर गोविंद महाराज की जय लीला विष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय लीला विष्णु भक्ति सिद्धांत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सपरिवार गौर हरि की जय जैसे सनातन गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय जय श्री व्यास श्री व्यास देव की जय बोले श्री बुढ़िया पुण्य की जय जय श्री चातुर्मास व्रत की जय व्रत पालन करी भक्त वृंद की जय आनंद कोटि गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदी